नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। खबर को हम सबके आदरणीय नेता भारत वर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आदरणीय मोदी जी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी लोकसभा के लिए अलग से चिंता करते हैं। लगभग रोज शाम को काशी की विकास योजनाओं की, काशी की स्थिति की ब्रीफिंग लेते रहते हैं। वो काशीवासियों के स्वास्थ्य की भी बहुत चिंता करते हैं, तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रेरणा से यह निश्चित किया है कि 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक एक सेवा सप्ताह मनाएंगे। प्रतिदिन किसी न किसी विधानसभा में कोई बड़ा काम होगा। जैसे 14 तारीख को सेवापुरी विधानसभा में नेत्र जांच का शिविर लगेगा, वहाँ नेत्र संबंधी सब चिकित्साएँ होंगी। 15 तारीख को कैंट विधानसभा में चिकित्सा शिविर एक लगने जा रहा है। ये चिकित्सा शिविर थोड़ा अलग है। अब तक के चिकित्सा शिविर में अधिकतर मेडिसिन से संबंधित डॉक्टर्स रहते थे। ये सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर है जिसमें लगभग सभी फील्ड के डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ चिकित्सा बल्कि वहीं पर बहुत सारी जांच भी होंगी। हम कंप्लीट चिकित्सा और जांच रिपोर्ट करके प्लस दवाओं का वितरण भी उसी कैंप में होगा। हम पूरी सुविधा देंगे अपने क्षेत्र के, पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग इस शिविर में आएंगे लाभार्थी के रूप में, उन्हें हम पूरी चिकित्सा जाँच और दवाएँ सब कुछ देंगे। आज की प्रेस वार्ता इसी चिकित्सा शिविर को लेकर है। महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला ENT, गुर्दा रोग नेफ्रोलॉजी, मूत्र रोग यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता 15 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं। कैंप में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन एरिया होगा, वहाँ पे मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित मरीज को उसके कक्ष में ले जाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ उपलब्ध रहेंगे। मरीजों को संबंधित डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जिस मरीज को जाँच लिखी जाएगी वहाँ भी भाजपा कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे। जो मरीजों को जाँच वाले एरिया में ले जाएंगे उनकी जाँच कराएंगे, और एक शिविर अलग से जहाँ पे दवाएं रहेंगी वहाँ भी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे कि हर मरीज को उसकी दवा भी मिल जाए। अभी तक जिन डॉक्टरों की स्वीकृति मिल गई है कैंप में आने के लिए, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर इशिता अवस्थी, डॉक्टर प्रियंबदा तिवारी, डॉक्टर नीलम ओहरी, डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डॉक्टर दिव्या अग्रवाल। मेडिसिन में डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर अरुण बाजोरिया, डॉक्टर MG राय, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर इंद्रनील बसु। इंडोक्राइनोलॉजी के डॉक्टर SK सिंह। सर्जरी के डॉक्टर अमिताभ अग्रवाल एवं डॉक्टर प्रमोद राय। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील शाह, डॉक्टर अनुराग टंडन, डॉक्टर अनिल तिवारी एवं डॉक्टर संजय ठाकुर। ENT के डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। स्किन के डॉक्टर अंशुमान तैलंग और डॉक्टर मुकुंद लाल। पीडियाट्रिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर गुप्ता, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर BB राय, डॉक्टर संजय चौरसिया। हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर KP अग्रवाल, डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती, डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर विनीत अग्रवाल। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर अविनाश सिंह और एक डॉक्टर। गैस्ट्रो के डॉक्टर SK यादव, डॉक्टर हेमंत गुप्ता। नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर प्रदीप राय, डॉक्टर DK सिन्हा। यूरोलॉजी के डॉक्टर PK जिंदल, डॉक्टर रविंद्र शाह, डॉक्टर संजय गर्ग। डेंटिस्ट में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर मुरारी शर्मा, डॉक्टर अमर अनुपम और डॉक्टर शुभा चौधरी। प्लास्टिक सर्जरी के
डॉक्टर जयंतो तपादार और डॉक्टर सुबोध सिंह बनारस में नहीं है तो वो अपने एक जूनियर को भेजेंगे। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पांडे हॉस्पिटल है वो इस तरह के जांच शिविर लगातार लगाते हैं, वहाँ से मरीजों को वो अपनी चिकित्सा के बारे में बताते हैं, फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल यहाँ पे आपकी सारी इसके आगे चिकित्सा हो, तो जांच करेंगे परामर्श उसके बाद का वो काम वही करेंगे जो अपने निजी शिविर में करते हैं। लेबर को परामर्श दे सकते हैं, शेष इलाज उनको मान लीजिए उनके कैथेटर की कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई विशेष प्रॉब्लम को अपने हॉस्पिटल में बुलाना पड़ेगा तो सवाल ये वो भी निःशुल्क शिविर लगाते हैं, आपका शिविर उससे जुड़ा क्या ये बताइए। मैं बता रहा हूँ हमारे शिविर में हम जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पूरे चेकअप के बाद उनकी निशुल्क जांच के बाद हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कंसल्टेंसी भी लगती है, कंसल्टेंसी के बाद जांच का भी पैसा लगता है, फिर दवाओं का भी पैसा लगता है। हमारे शिविर में कंसल्टेंसी भी फ्री है, जांच भी फ्री है, ब्लड की बाकी बहुत सारी जांच भी फ्री है, प्लस दवा भी फ्री है। हम ये कर देंगे, इसके बाद जो जाँच आएगी एक बार और हमारा जो पर्चा होगा उस पर जब पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास तो एक बार और का भी हम कंसल्टेंसी फ्री हॉस्पिटल में करा देंगे। इतने अच्छे ये डॉक्टर हैं, छोटी मोटी बीमारियां तो दो बार की भेंट में ही ठीक हो जानी है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको सीधे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो तो उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना ही चाहिए, वो किसी शिविर के माध्यम से संभव ही नहीं। शिवापुरी विधानसभा में एक वृहद नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है जिसमें आने वाले लाभार्थियों के नेत्रों की जांच की जाएगी और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं केंद्र की सरकार की और प्रदेश सरकार की उनके फॉर्म भी वहां उपलब्ध रहेंगे, लोग अपना पंजीकरण भी करा सकेंगे और उन सभी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। 17 तारीख को उत्तरी विधवा बहनें जो हमारी हैं उनके कल्याणार्थ वह कार्यक्रम रखा गया है और 20 सितंबर को शिवपुर विधानसभा में दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा कैंप लगाया जाएगा जहां उन्हें उपकरण वितरण किए। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा क्षेत्रीय सह संयोजक विदेश संपर्क विभाग मनोज शाह, आइए जानते हैं पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा में आप भी सहभागी हैं, क्या है ये पूरी यात्रा का उद्देश्य। देखिए 23 तारीख से 27 तारीख तक न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली आयोजित है जिसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो उसके एक दिन पहले ह्यूस्टन में टेक्सास इंडिया फोरम ने एक कम्युनिटी समिट का आयोजन किया है जिसमें प्रधानमंत्री जी को जो है आमंत्रित किया गया है कि वो भारतीय समुदाय को संबोधित करें। वहाँ का जो अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम, उसको भारतीय समुदाय ने बुक किया हुआ है और 50,000 लोगों से ज़्यादा उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये फुल कैपेसिटी है उसकी, और इसमें एक प्रोग्राम किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो अमरीकी भारतीय अमरीकियों की अभी तक 70 साल की यात्रा है अमेरिका में, उनका डेवलपमेंट है ये वो शोकेस करेंगे। उस कार्यक्रम का नाम रखा है वोवन द इंडियन अमेरिकन स्टोरी। इसके अलावा प्रधानमंत्री उनसे रूबरू होंगे, संबंधित उनको संबोधित करेंगे। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इसमें टेक्सास इंडिया फोरम ने और भाजपा ने आमंत्रित किया है, मैं बनारस का काशी का वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मेरे जाने का उद्देश्य एक पूरे प्रबंधन को देखना, समझना, आयोजन को देखना है। उसके अलावा वहाँ पे जो अप्रवासी समुदाय है उनसे संपर्क करना, उनसे संवाद करना कि उनके द्वारा काशी में कुछ निवेश आ सके, उनके द्वारा काशी के स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में क्या सुधार हो सकता है, सहयोग हो सकता है, इसके लिए चर्चा करना। मैं ह्यूस्टन के अलावा न्यूयॉर्क और मिनेसोटा की भी यात्रा करूँगा और वहाँ पर भी तमाम जो है मीटिंग दूँगी और NRI जो कम्युनिटी है उससे इंटरेक्ट करूँगा। भारत से आप जैसे और कितने लोग जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि करीब प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं है, प्रधानमंत्री जी का देखिए सरकारी कार्यक्रम होता है, हम लोग का ये जो भी भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि हम लोग सब लोग इंडिपेंडेंटली जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली से और भारत से मिला के 10-15 लोग होंगे। तो ये जो आने जाने का पूरा मार्ग है ये पूरी व्यवस्था आपकी अपनी? ये हम लोग की सबकी निजी है। क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।